मोदी टू में पहली बार बड़ी फेरबदल की तैयारी। सूत्रों के मुताबिक कल शाम 5:30 बजे हो सकता है मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार। महाराष्ट्र के कद्दावर नेता नारायण राणे भी बनाए जा सकते हैं कैबिनेट मंत्री, मुंबई से दिल्ली लैंड। आज भी जारी रहा महाराष्ट्र विधानसभा से बीजेपी विधायकों के निलंबन पर विरोध, विधानसभा के बाहर पार्टी के नेताओं का हल्ला बोल। सदन के बाहर बीजेपी विधायकों ने चलाई समानांतर कार्रवाई, सत्ता पक्ष के विधायकों ने किया विरोध। महाराष्ट्र विधानसभा परिसर में बड़ा बवाल, पर प्रदर्शन कर रहे बीजेपी के विधायकों से छीन लिए गए माइक। शिवसेना ने बीजेपी विधायकों के निलंबन को ठहराया जायज, संजय राउत बोले बर्दाश्त नहीं होगी अनुशासनहीनता। उधर सरकार में मंत्री छगन भुजबल ने कहा बीजेपी ने दिखाया उसे सिर्फ सत्ता से प्यार, कामकाज से कोई लेना देना नहीं। मराठा आरक्षण को लेकर मुंबई में आजाद मैदान में बड़ी रैली, रामदास अठावले के नेतृत्व में मोर्चाबंदी। सीएम उद्धव ठाकरे ने शिवसेना और बीजेपी के साथ आने की अटकलों को खारिज किया, बोले जो हमारे 30 साल रहने के बाद भी साथ नहीं आया वो अब क्या होगा। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के पीए और पीएस को न्यायिक हिरासत, पीएमएलए कोर्ट ने 20 जुलाई तक भेजा दिया। महाराष्ट्र में 24 घंटे में आए कोरोना के 8,418 नए मामले, 171 मरीजों की मौत। मुंबई में कोरोना का ग्राफ घटा, पिछले 24 घंटे में आए 453 केस, 10 की मौत। अभिनेता एजाज खान की जमानत याचिका खारिज, ड्रग्स मामले में एनसीबी ने किया था गिरफ्तार, अभी जेल में बंद है एजाज। एनसीबी ने मुंबई के डंगनी इलाके से गैंगस्टर चिंकू पठान को किया ड्रग्स से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार। पुणे के सामने आया है दो बदमाशों का हैरान कर देने वाला वीडियो, रात में सड़क से गुजरने वाले लोगों पर किया करते थे कोयले से हमला, दोनों ही आरोपी गिरफ्तार। अपनी अर्जी पर सुनवाई ना करने के लिए अमरावती में नायब तहसीलदार की राशन दुकानदार महिला ने की कॉलर पकड़कर पिटाई, आरोपी महिला गिरफ्तार। स्कूल की फीस माफ किए जाने की मांग को लेकर पुणे के महात्मा फुले मंडाई में प्रदर्शन किया गया, पेरेंट्स ने किया प्रदर्शन। सूरत के ज्वेलरी शोरूम में 8 लाख के गहनों की लूट हुई, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। 268 अंकों की गिरावट के साथ 52,861 पर बंद हुआ है सेंसेक्स, निफ्टी 16 पॉइंट्स फिसलकर 15,818 पर बंद। ई कॉमर्स नियमों के ड्राफ्ट पर सुझाव के लिए 21 जुलाई तक बढ़ी है समय सीमा, पहले 6 जुलाई तक थे सुझाव। एसबीआई रिसर्च ने अगस्त में कोरोना की तीसरी लहर आने का जताया अनुमान, सितंबर में पीक पर पहुंचने का दावा। डिजिटल मोनोपोली रोकने के लिए बने सरकारी पैनल में शामिल हुए नंदन नीलेकणी, बतौर सलाहकार काम करेंगे। घरेलू हवाई यात्रा के लिए अब मिलेंगी ज्यादा फ्लाइट, सरकार ने घरेलू उड़ानों की संख्या में 15% इजाफे को मंजूरी दी। सरकार ने जुलाई सितंबर तिमाही के लिए जीपीएफ पर ब्याज दर का ऐलान किया, पहले की तरह मिलता रहेगा 7.1%। कोरोना ने बदली है लोगों की निवेश से जुड़ी हुई आदतें, सर्वे का दावा लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस में ज्यादा निवेश करने लगे हैं भारतीय। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आज की सबसे बड़ी खबर है मोदी कैबिनेट का संभावित विस्तार। जबरदस्त चर्चाएं हैं कि महाराष्ट्र से बीजेपी नेता नारायण राणे को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। नारायण राणे दिल्ली पहुंच चुके हैं, माना यह जा रहा है कि बीजेपी राणे को मजबूत कर महाराष्ट्र में शिवसेना को टारगेट करना चाहती है। राणे की छवि कट्टर शिवसेना विरोधी की है, उद्धव ठाकरे की वजह से ही उन्होंने शिवसेना को छोड़ दिया था, फिर कांग्रेस में गए और अब बीजेपी में हैं। माना जा रहा है कि केंद्रीय कैबिनेट विस्तार में 20 नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों को तरजीह मिल सकती है। महाराष्ट्र से जिस नेता के नाम की चर्चा है वो है नारायण राणे। सूत्रों के मुताबिक नारायण राणे को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के दफ्तर से फोन पहुंच चुका है। मैं एमपी हूं तो दिल्ली आना ही पड़ता है, अभी सेशन के पहले हम लोग आ जाते हैं इधर। सर 15 दिन पहले? हाँ, कोई विशेष कारण आने का? आज कोई विशेष? अरे विशेष देखिए, एक बात देखो, विशेष कुछ होगा तो जरूर बताएंगे, आपको कोई छुपा सकते हैं क्या? नारायण राणे कोंकण के बड़े मराठा नेता हैं। कुछ समय पहले अमित शाह ने राणे के बुलावे पर कोंकण का दौरा किया था, तब से ही बीजेपी में राणे के बढ़ते कद की चर्चा होने लगी थी।
मुंबई के चेंबूर में पले बढ़े राणे मैट्रिक पास हैं। एक जमाने में इनकम टैक्स दफ्तर में वो चपरासी हुआ करते थे। नौकरी छोड़कर शिवसेना में आए, पहले शाखा प्रमुख फिर कॉरपोरेटर से विधायक बनने तक का सफर तय किया। बाला साहेब के प्रिय थे। 1995 में महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी की सरकार में मंत्री बने। बाद में मनोहर जोशी को हटाकर बाला साहेब ने राणे को मुख्यमंत्री बना दिया। 8 महीने राणे सीएम की कुर्सी पर बैठे। राणे और उद्धव की कभी नहीं पटी। साल 2003 के बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना पर पकड़ बढ़ने लगी थी। राणे 2005 में कांग्रेस में चले गए और कैबिनेट मंत्री बन गए। राणे मुख्यमंत्री बनना चाहते थे मगर उनकी यह हसरत कांग्रेस में पूरी नहीं हो पाई। वैसे भी माना जाता है कि राणे की कोंकण पर अब वो पकड़ नहीं रही जो कभी हुआ करती थी। राणे खुद 2 बार चुनाव हार चुके हैं। उनके एक बेटे नीलेश राणे सिंधुदुर्ग से लोकसभा का चुनाव हार चुके हैं। दूसरे बेटे नितेश राणे बीजेपी के टिकट पर विधायक हैं, पर बीजेपी उन पर शिवसेना की काट के लिए दाव लगाना चाहती है। राणे सीधे उद्धव ठाकरे को चुनौती दे सकते हैं। अटकलें ये हैं कि मोदी राणे को हैवी इंडस्ट्रीज दे सकते हैं, जो एनडीए के बाहर जाने से पहले शिवसेना सांसद अरविंद सावंत के पास हुआ करती थी। आज तक ब्यूरो। 12 विधायकों के निलंबन के बाद बीजेपी महाआघाड़ी सरकार से भिड़ चुकी है। आज बीजेपी ने अपने विधायकों के निलंबन के खिलाफ विधानसभा के बाहर सबसे अनोखा विरोध प्रदर्शन किया है। बीजेपी ने महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर ऐसी डमी सदन बैठाकर मौजूदा सरकार के खिलाफ हल्ला बोला, तो वहीं महाअघाड़ी सरकार ने मार्शल भेजकर प्रदर्शन कर रहे बीजेपी विधायकों का धरना जबरन खत्म कराया। सदन के बाहर संग्राम जैसे हालात बन गए। इन दो तस्वीरों से आप सरकार बनाम बीजेपी की सियासी लड़ाई को समझ सकते हैं। कहानी साफ है, 12 विधायकों के निलंबन को लेकर बीजेपी आर पार के मूड में है। जिस प्रकार से कल 12 लोगों को सरकार ने सस्पेंड किया, सरकार के खिलाफ जब बोलते हैं ये सरकार किसानों के खिलाफ है, ओबीसी के खिलाफ है, मराठाओं के खिलाफ है, पिछड़ों के खिलाफ है, ये सारी चीजें जब हम बोलते हैं तो सरकार जवाब नहीं दे सकती। इसलिए हमारे 12 विधायकों को कल सस्पेंड किया और बिल्कुल झूठे आरोप लगाकर, सिरे से झूठे आरोप लगाकर उनको सस्पेंड किया। जब हम शांति के साथ हमारी प्रति विधानसभा चला रहे थे तो वहां पर मार्शलों को भेजकर मीडिया के साथ दुर्व्यवहार किया गया, मीडिया के कैमरे छीने गए। और इसलिए हमने यह तय किया हमारी लड़ाई मार्शलों से नहीं है, हम अब मीडिया रूम में यहां आकर हमारा ये जो प्रति विधानसभा ये चलाएंगे और इस सरकार का नकाब फाड़ेंगे, इनके भ्रष्टाचार के प्रकरणों को यहाँ बाहर निकालेंगे। अगर विधानसभा में हमको ये बैठने नहीं देते तो जनता के बीच जाकर हम इस सरकार का बुरखा फाड़ेंगे। अब आपको पूरा घटनाक्रम बताते हैं। 12 विधायकों के निलंबन के खिलाफ बीजेपी ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। विधानसभा के बाहर ही सदन की कार्यवाही शुरू कर दी। बाकायदा असेंबली का अध्यक्ष पार्टी के एमएलए कालीदाल पुलंबर को नियुक्त किया गया। उसके बाद जैसा सदन में होता है वैसे ही एक एक नेता ने अपना भाषण दिया। बीजेपी विधायकों ने महाअघाड़ी सरकार के खिलाफ हल्ला बोला, तभी मार्शल की एंट्री हुई और बीजेपी के डमी सदन का नजारा बदल गया। बीजेपी विधायकों को जबरदस्ती हटाया गया और वहां लगाए गए स्पीकर को मार्शल अपने साथ लेकर गए। दरअसल 12 विधायकों के निलंबन के विरोध में सदन से लेकर सड़क तक प्रदेश भर में बीजेपी ने प्रदर्शन किया। यहां तक ये लड़ाई गवर्नर हाउस तक पहुंच चुकी है। राज्यपाल महोदय से मिले हम सभी निलंबित 12 विधायक 35 मिनट से भी ज्यादा समय पर उनसे चर्चा हमने की और जो सदन में सत्य घटना क्या हुई थी उसका सत्य कथन हमने माननीय राज्यपाल महोदय के सामने रखा। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के सरकार में बैठे हुए लोगों ने झूठ के पुलिंदे के आधार पर लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या करके उसकी अंत यात्रा आज निकाली।
विवाद की जड़ में है ओबीसी आरक्षण का मुद्दा, जिसे लेकर बीजेपी और महाअघाड़ी दोनों तरफ से सियासी दांव खेला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इंपेरिकल इंक्वायरी बाय बैकवर्ड क्लास कमीशन कहा है, और बैकवर्ड क्लास कमीशन को ये इंपेरिकल इंक्वायरी करनी है, बावजूद उसके केवल समय निकालने के लिए और केंद्र सरकार की ओर अंगुली निर्देश करने के लिए इस प्रकार की कार्रवाइयां की जा रही है। हमने उसका विरोध किया है और अब सरकार का चेहरा और सरकार का बुरखा फट रहा है, इसलिए सभागृह में कामकाज न हो इस प्रकार का प्रयास सरकार की ओर से चल रहा है। ओबीसी के ऊपर इतना प्रेम है तो फिर सौदाबाजी का है कि अगर सत्ता है तो काम करेंगे, मैं तो ओबीसी का काम नहीं करेंगे। मतलब आपको ओबीसी का प्यार नहीं है, आपको सत्ता का प्यार है। और फिर 3 महीने में आप कर रहे थे तो 5 साल क्यों चुप बैठे भाई? कौन तुमको रोका था? सब तो तुम्हारे हाथ में था। महाराष्ट्र विधानसभा का 2 दिवसीय सत्र महाभारत का अखाड़ा बन चुका है। 12 विधायकों का निलंबन अब बीजेपी बनाम शिवसेना की सियासी जंग में बदल चुका है। हम सारे लोग अध्यक्ष जी के चेंबर में गए, वहां पर हमारी बातचीत हुई। शिवसेना के और रूलिंग पार्टी के कुछ एमएलए आए, हमारे भी एमएलए थे, वो आमने सामने आए तो हमने उनको दूर किया। कोई भी गाली बीजेपी के किसी भी सदस्य ने नहीं दी। गाली किसने दी हम सबने सुनी है, मैं यहाँ बोलना नहीं चाहता, लेकिन हम सबने सुनी है किसने गाली दी है, और ये सत्य बाहर भी आएगा। महाराष्ट्र के विधानसभा के ये परंपरा भी नहीं, यार इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। ऐसे हमारे जाने माने लोग अंदर जो है सालों साल से अंदर बैठे और बोल रहे, तो आज ही सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट में पढ़ रहा था केरल विधानसभा के मामले में, कि किसी भी हालत में चाहे विधानसभा हो चाहे संसद हो, इस प्रकार का बर्ताव मंजूर नहीं है विधायक और सांसदों का। तो महाराष्ट्र ने भी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय का पालन किया होगा। शिवसेना कार्रवाई का आधार सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बता रही है, तो वहीं बीजेपी अब निलंबन को अदालत में चुनौती देने जा रही है। मुस्तफा शेख के साथ कमलेश सुतार, मुंबई आज तक। सुंदर बीचों के लिए मशहूर महाराष्ट्र में बहुत सारे बीच रिजॉर्ट बिकने की कगार पर पहुंच चुके हैं। कोरोना के शुरू होते ही टूरिस्ट न के बराबर आ रहे हैं। रिजॉर्ट मालिक जिन्होंने बैंकों का कर्जा ले रखा है, उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। रिजॉर्ट बेचने के अलावा उन्हें कोई और रास्ता नजर ही नहीं आ रहा। रत्नागिरी जिले में आने वाला मुरुद गांव अपने खूबसूरत बीचों के लिए जाना जाता है। बीच के शौकीन टूरिस्ट की विश लिस्ट में इसका नाम होता है, मगर कोरोना के बाद से मुरुद टूरिस्ट की शक्ल देखने के लिए तरस गया है। मुरुद में छोटे बड़े करीब 80 बीच रिसॉर्ट्स हैं, पर कोरोना के बाद से सब खाली पड़े हैं। एक जमाने में जिन रिसॉर्ट्स की बुकिंग के लिए टूरिस्ट इंतजार करते थे, वो रिसॉर्ट मालिक मुश्किल में है। ये 53 साल के शैलेश मोरे हैं, मुरुद के सिल्वर सैंड बीच रिसॉर्ट के मालिक। 2019 में बीच के लिए बैंक से 2.5 करोड़ रुपए का लोन लिया था, पर अब कर्ज की किश्त नहीं दे पा रहे। बैंक से आने वाले तगादों के फोन ने इनकी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है। शरीश ने अब मान लिया है कि इससे ज्यादा तनाव ले पाना इनके बस की बात नहीं है। अब ये अपना रिसोर्ट बेचने की सोच रहे हैं। पैसा लौटाने का मतलब जगह बेच डालो, लौटाना का लौटने मतलब आपको बेच मतलब देने का ही है ना, पैसा देने का है तो जगह बेच डालो। और यही चाहते हैं क्या केंद्र का लोग, ये नहीं समझ में आ रहा है हम लोग के। शैलेश ने अपने रिसोर्ट को लेकर बड़े बड़े सपने देखे थे, मगर अब अपने इस वीरान पड़े रिसोर्ट में उन्हें आना अच्छा नहीं लगता। जब भी आते हैं उनका मन भारी हो जाता है। ये रिसोर्ट शैलेश ने अपनी माँ के साथ 23 साल की उम्र में शुरू किया था। अब जब भी वो यहाँ आते हैं, इस किचन विंडो में बैठकर समंदर को निहारते हुए पुराना वक्त याद करते हैं और अच्छा वक्त आने की राह देखते हैं। मेरा घर ऊपर है, मैं नीचे आता ही नहीं हूँ, क्योंकि ये सन्नाटा सब देखना क्या बोलते हैं, तो मैं नीचे आता ही नहीं हूँ। इसलिए अभी देखिए, मेरे स्टाफ लोग रहते हैं यहाँ, हम लोग नहीं आते यहाँ, क्योंकि ये सब सन्नाटा और पैसा कहाँ से लाएं इसको। बाबा मैं इधर आया तो मेरा स्टाफ बोलेगा ये जरा करना पड़ेगा, ये वो करना पड़ेगा,
मेंटेनेंस करना पड़ेगा। अरे पैसा कहाँ से लाऊं, यहाँ कहाँ। मुरुद में स्थित लागुना बीच रिसोर्ट को चलाने वाले प्रबोध जोशी ने 1 करोड़ रुपए का लोन लिया था, पर अब वो किश्त नहीं भर पा रहे। जोशी बताते हैं कि उनकी साख के चलते उन्हें परेशान तो नहीं किया जा रहा, पर उन्हें स्ट्रेस पूरा है, क्योंकि कर्ज की रकम इन हालातों में कैसे लौटेगी इसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। नहीं, हम लोग वही सोच रहे हैं कि कोरोना की लाट तीसरी न आए, और दूसरा एक है कि गवर्नमेंट ने होटल इंडस्ट्री को पूरा ही ब्लैंक रखा है, कोई भी सब्सिडीज नहीं है, कोई भी लॉन्ग टर्म लोनिंग नहीं है, तो लोन की वजह से कुछ दिनों के बाद लोग आत्महत्या कर देंगे अगर ऐसा हो जाएगा तो। जोशी ने ये रिसोर्ट 3 साल पहले सेटअप किया था। मुरुद के हर रिसोर्ट की तरह ये भी खाली पड़ा है। इनके 10 लग्जरी रूम ने महीनों से एक गेस्ट नहीं देखा। होटल मैनेजमेंट की डिग्री से लैस प्रबोध जोशी के बेटे के रिसोर्ट को लेकर बड़े प्लान थे। मेरे को लगता है नया चीज ट्राई करना चाहिए, पर अभी अपन जो जो ऑनलाइन कर सकते हैं तो अपन घर बैठे जो है वो अपन स्टार्ट कर सकते हैं, जो जैसे कि ट्रेडिंग है या बाकी का जो, और अपन होटल इंडस्ट्री के लिए सीख सकते हैं, नया नया रूल्स है, स्कीम्स है, वो पढ़ के जो अपने लिए बाद में फायदा हो सकता है उसका वो अपन कर सकते हैं बैठ सकते, पर इधर से मेरे को जाने का नहीं है। प्रबोध को सेंट्रल लोन रीपेमेंट स्कीम्स के बारे में पता है, पर उनके रिसोर्ट की सीआरजेड जोन में होने की वजह से उन्हें नेशनलाइज्ड बैंक से लोन मिलना मुश्किल है, उनके पास बस कोऑपरेटिव बैंक्स का रास्ता बचता है। हमारे इधर जो स्टाफ था ये था वो अभी सब घर गया है, उनको भी फोन आ रहे हैं अभी वहाँ, हम लोग कभी आ जाऊँ कभी आ जाऊँ, क्योंकि आज इतने साल हमारे पास वो काम कर रहे हैं, उनकी फैमिली, हमारे जो कुछ पेमेंट आता है कन्फर्म वगैरह सब जो रिलेशन इतने दिन से बने हैं, तो वो भी हम लोग को भी अभी जवाब देने में शर्म आ जाती है, बाबा नहीं आज चालू होएगा, 8 दिन के बाद चालू होएगा। इन बीच रिजॉर्ट्स की खूबसूरती देखते ही बनती है। एक वक्त वो भी था जब यहाँ पर टूरिस्ट खचाखच भरे रहते थे, लेकिन आज आलम यह है कि यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। रिजॉर्ट्स के ओनर्स का कहना है कि उनके सर पे बैंक्स का कर्जा है, हर रोज का मेंटेनेंस नहीं निकल पा रहा है, उस पर सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है, ये भी गारंटी नहीं है कि कोरोना कब खत्म होगा। ऐसे में डर इतना है, दबाव इतना है कि ओनर्स मन बना रहे हैं कि वो अपने रिजॉर्ट्स की जमीन को ही बेच दें। रत्नागिरी से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। पीएम मोदी के कैबिनेट विस्तार में बिहार को भी साधने की भरकस कोशिश होगी। यही वजह है कि सुगबुगाहट है कि जेडीयू के कोटे से 4 लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है। एलजेपी के पशुपति पारस को भी मंत्री पद का तोहफा मिल सकता है। इसके अलावा सुशील मोदी को भी केंद्र में पद दिया जा सकता है। कुल मिलाकर बिहार के नेताओं ने भी दिल से कहा है कि चलो बुलावा आया है। ये विशेषाधिकार हम लोग के नेता का है, हम इतना ही बताएंगे आपको कि केंद्र में हमारी पार्टी शामिल हो रही केंद्रीय मंत्रिमंडल। क्या पता है किस दिन होने वाला है, क्या होने वाला है, इसके बारे में तो कुछ पता नहीं, इसके बारे में तो पता नहीं। ऐसे नीतीश कुमार का सियासी अंदाज ही कहेंगे कि जब मोदी कैबिनेट के विस्तार की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, तब भी वो अपने पत्ते खोलने को तैयार। एक और पार्टी नेताओं का दावा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने की सारी कश्मकश दूर हो चुकी है, तब भी इस फैसले पर फाइनल मुहर लगाने से नीतीश बच रहे हैं। आज के कंटेक्स्ट में इसके संबंध में कोई सर खास बात नहीं है, जो भी माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाहेंगे उसी के हिसाब से जो भी होना होगा होगा। आप विस्तार में जाएंगे, आप विस्तार में जाएंगे, जब विस्तार होगा जिस दिन जाएंगे। आपको क्या पता है किस दिन होने वाला है, क्या होने वाला है, इसके बारे में तो कुछ पता नहीं, सांकेतिक इसके बारे में तो पता नहीं। 4 मंत्री पद लेंगे, 3 लेंगे, 2 लेंगे या नहीं लेंगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो उनकी इच्छा होगी वो करेंगे। कौन कौन चेहरे हो सकते हैं? आपकी इच्छा भी तो मायने रखती है, चेहरा भी हम नहीं तय करेंगे। साफ है कि मंत्रिमंडल विस्तार से ठीक पहले नीतीश प्रेशर पॉलिटिक्स का वो दांव चल रहे हैं जिसके जरिए अपने पुराने साथी से ज्यादा बार्गेनिंग की जा सके। केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में जेडीयू के शामिल होने और न होने की अटकलों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विराम लगा दिया है। जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या पिछली बार की तरह वो इस बार भी मंत्रिमंडल में
न शामिल होने का फैसला लेंगे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। हालांकि मंत्रिमंडल में कितनी सीटों पर जेडीयू दावेदारी कर रही है और कितनी सीटें उन्हें मिलने जा रही हैं, इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्ते नहीं खोले और सारी जवाबदेही जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह के ऊपर डाल दी। दरअसल नीतीश के इस अनजान वाले अंदाज के पीछे वजह केंद्रीय मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी की संख्या है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जेडीयू मोदी मंत्रिमंडल में 4 मंत्री चाहती है और इसी पर चर्चा के लिए जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह दिल्ली में हैं। आप देखिएगा ना, मतलब माना जा रही सब कुछ पेंच फंसा हुआ है, इसका मतलब कहीं कोई पेंच किसी तरह का नहीं। कितने लोग अब वेट करो ना यार, पेज सिर्फ संख्या को लेकर ही नहीं है। खबर है कि नीतीश कुमार अपने चहेते नेताओं को मंत्री पद दिलाना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि आरसीपी सिंह को केंद्र में मंत्री पद मिलना करीब करीब तय है। इसके अलावा नीतीश पूर्णिया से सांसद संतोष कुशवाहा, राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर और अति पिछड़ा समाज से आने वाले जहानाबाद के सांसद चंदेश्वर चंद्रवंशी की मोदी कैबिनेट में एंट्री चाहते हैं। यही वजह है कि मनमाफिक मांग पर मुहर ना लगने तक नीतीश साफ साफ कुछ भी कहने से बच रहे हैं। किसी फॉर्मूले के बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इसके बारे में जो हमने हम लोगों के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हीं को इन सब चीजों के लिए अधिकार है। जो कुछ भी अधिकृत वही है, बातचीत करके जो कुछ भी होना है उसी के हिसाब से हो गया। शपथ लेता हूँ क्योंकि 2019 में नरेंद्र मोदी के दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद जब जेडीयू को एक ही मंत्री पद का ऑफर मिला तो नाराज नीतीश ने मंत्रिमंडल से दूरी बना ली थी। इसके साथ बिहार से पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी का नाम भी मंत्री पद की रेस में है। बिहार चुनाव के बाद उन्हें दिल्ली शिफ्ट किया गया है। मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए बिहार को साधने की कवायद में पशुपति पारस के हाथ भी मंत्री पद की लॉटरी लग सकती है। हालांकि पशुपति पारस को मंत्री बनाने की अटकलों के बीच चिराग पासवान ने उनके खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया। भाई मंत्री बनने के लिए आप हमारे नेता के विचारों को कुचल देंगे? मंत्री बनने की लालसा में उम्र भर जो हमारे नेता ने 50 साल सक्रिय राजनीति में बेदाग जो उन्होंने संघर्ष किया, आप उसको कुचल देंगे? आप उनके अरमानों को आप चिंगारी लगाकर आप मंत्री बनना चाहेंगे? उनकी बनाई हुई पार्टी को धोखा देकर आप मंत्री बनना चाहेंगे? बिहार की राजनीति में उथल पुथल मची हुई है। नीतीश सरकार के खिलाफ ही मंत्री विधायक आवाज उठा रहे हैं। ऐसे में नीतीश मंत्रिमंडल के बहाने सत्ता का संतुलन साधने की कोशिश में है। देखना होगा कि बीजेपी उनकी मांगों को कितना मानती है। पटना से रोहित कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।